আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাংলা রোড যাব, এখানকার নাইট লাইফ। রেড চাটটা দেখো, এটা হচ্ছে যে এখানে দাম, যেটা সব রকম জিনিস পাওয়া যায়, স্পাইসি স্যালাড থেকে নিয়ে শুরু করে সব কিছু, মিট বল থেকে শুরু করে সব 20 টাকা। ওকে, তো यहाँ पे आप लोगों को शॉपिंग के लिए बहुत सारे सामान मिल जाएंगे और फार्मेसी भी है यहाँ पे। अगर आपका तबीयत में कुछ भी हुआ तो फार्मेसी है। और हम लोग जा रहे हैं अभी उस साइड में बांग्ला रोड, है तो बांग्ला रोड जा रहे हैं और रात का जो नज़ारा होता है यहाँ का वो आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत अच्छा तरीका से, कि यहाँ पे रात को कैसे क्या गाड़ी जा रही है। देखिए दोस्त, आवाज ही अलग है इस गाड़ी का। यहाँ पे गोगो बार्स होती है, यहाँ पे आप ड्रिंक ले सकते हो और समय बिता सकते हो। यहाँ पे मसाज पार्लर एंड ऑल होती है। So, there is the massage parlor behind this spa and यहाँ से ये सब जगह से आप टूर बुक कर सकते हो अपने लिए नेक्स्ट डे के फुकेत का। क्या पिया? यहाँ पे सुविनियर शॉप्स है कुछ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैग्स मिल जाएंगे। टाइम ये वाला ब्रेसलेट है, ये पर এখানে কি সুন্দর সুন্দর ব্রেসলেট, যেটা বিভিন্ন রকমের কালারের আছে। এই প্রদীপগুলো দেখো, দিওয়ালিতে এই প্রদীপগুলো ধরানোর জন্য কি সুন্দর ফুলের মতন বিভিন্ন রকম কালারের প্রদীপ। উপরে সব জুট বিভিন্ন রকম কালারিং থাকে। এটা হচ্ছে চাবি রিং, তো यहां पे बहुत सारे आपको रोड साइड ऐसे शॉप मिल जाएंगे जहां से आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग कर सकते हो। बाकी ये जो डाइने साइड में जो रास्ते जाती है, यहाँ से अगर आप सीधे जाते हो तो आप पहुँच जाओगे पटोंग बीच। यही रोड है जो पटोंग बीच जाती है, ठीक है। और हम लोग जाएंगे थोड़ा सा आगे बांग्ला रोड। और दोस्तों यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि ऐसे फिश रखा हुआ है, फिश। और आप जो भी बोलोगे यहाँ से लेंगे और आपको फ्राइड करके बना के दे देंगे। तो ऐसा है कुछ हिसाब किताब यहाँ का। यहाँ पे टैटू पार्लर्स है, जो कि मैंने इनको इससे पहले भी दिखाया है जब पहला बार आया था ये अंकल जी को। ये अंकल यहाँ पे टैटू बनाते हैं और बहुत फेमस है यहाँ का, पूरा बॉडी में टैटूज है। ओके, टैटू पार्लर्स, कोकोनट आइसक्रीम, कोकोनट जूस, हाउ मच? 40 baht। वन? ओके, गिव मी वन। एंड सैनिटाइजर। नारियल है ना, बहुत ठंड है, मतलब इसको फ्रिज में या कहीं बर्फ में डुबा के रखा गया, बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा। तो टेस्ट करे बोलो जी कतटा टेस्टी আছে।
খুব মিষ্টি উই নিড ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ওকে ওকে ইন্ডিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স হোগা তো ক্যা ও ফুকেত মে গাড়ি চালা পায়েঙ্গে তো एक बार एंड रेस्टोरेंट है जिसका थीम है टाइगर और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये टाइगर थीम बार एंड रेस्टोरेंट। यहाँ की जो वाइब्स है वो ही अलग है आपको रात में यहाँ वाला नाइट है। हाँ रात को यहाँ पे टहलने में मजा आएगा। हाँ बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स मिलेंगे आपको और भी बहुत सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये है यहाँ की फेमस टुक टुक यहाँ पे थाईलैंड का स्ट्रीट फूड यहाँ पे बीफ है पोर्क है ऑक्टोपस सो बहुत सारे পোষাবে না দুটো তিনটে নিলে মনে হয় ভালো এরকম তো দেখতে থাকবো কি সুন্দর সুন্দর ড্রেস এখানে স্টাইলিশ স্টাইলিশ যে বিচের ধারে পড়ে যাওয়ার জন্য এমনকি ডিজে পার্টিতে পড়ে যাওয়ার জন্য খুব ভালো এখানে স্কার্ট প্লাজো টাইপ প্যান্টগুলো যেটা খুবই ভালো সো বিউটিফুল সুন্দর ড্রেসটা আপ দেখ সকতে হো জো আপ পারচেজ কর সকতে হো এই স্কার্টটা দে হ্যাঁ পে ওয়াও প্লাজো গুলো বেশ ভালো আছে लेडीज के लिए तो ये सब जन्नत है और अच्छा अच्छा कलेक्शन यहाँ पे मिलता है। चल ठीक ठीक चल आते बाय दादा এখানে মাসাজ পার্লারের জন্য সবাই বসে রয়েছে মাসাজ টানা আছে এখানে ফুড প্যাকেজিং করা আছে ম্যাঙ্গো এখানকার ইয়েলো কালারের ম্যাঙ্গো Hi. Oh. Hi.
नमस्ते नमस्ते। এখানে বার্গার স্যান্ডউইচের মধ্যে ওই সব চিকেন দিয়ে দেওয়া হয়, কিসে চিকেন ওগুলো পর্ক খা দেওয়া হয়, বিফ দেওয়া হয়, ম্যাঙ্গো 80 ভাগ, আনারস 40 ভাগ, এখানে সো ইন্ডিয়ান খানে কি ইয়াহ পে কমি নেই হ্যায় আর বাংলা রোড সে বিলকুল বাংলা রোড সে একদম সামনে আপকো মিল জায়েগি ইন্ডিয়ান খানা কি এক বহুত আচ্ছি দোকান जो कि मेरे को पता चला है यहाँ पे 15 साल से 24 आवर्स ये दुकान चल रही है और कभी बंद नहीं होती है। बॉम्बेज किचन है इनका नाम और ये भैया से मेरा बात हो रहा था, मैं आप लोगों से बात कराता हूँ उनका कि कैसा है, क्या यहाँ के खाने की स्पेशलिटीज़ हैं और क्या कैसे वो चलाते हैं रेस्टोरेंट को, क्या क्या चीज़ को ध्यान रखते हुए बनाते हैं। सो आप लोग अगर बांग्ला रोड घूमने आते हो और इंडियन खाना मांगते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप आ सकते हो और उनके ओनर से बात कराता हूँ और कैसे क्या खाना मिलते हैं यहाँ पे, इंडियन खाना आपको कैसे मिलते हैं, आपको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे भैया। सो वेलकम भैया। थैंक यू, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, बताएं कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भैया। तो आप बताइए कि बांग्ला रोड में जो लोग घूमने आते हैं या फुकेट में जो लोग घूमने आते हैं, इंडियन खाना इंडियन को बहुत पसंद है जी, तो आपके यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज हैं इंडियन लोगों के लिए? आप एक बार मेनू भी हमारा दिखाइए लोगों को, क्योंकि वेज नॉन वेज सब वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ब्रेड्स हैं, तरह तमाम तरह की बिरयानी हमारे पास है और सबसे स्पेशल चीज जो हमारी है, हमारी दम बिरयानी हमारे यहाँ मिलती है। ओके, पूरे फुकेट में आपको जो बिरयानी मिलेगी वो नॉर्मली जो टॉस बिरयानी बोलते हैं उसको हम लोग, वो होती है, बट हमारे यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा है जो कि हम दम बिरयानी बाकायदा आप समझते होंगे देख में लगा के देते हैं। एवरी डे हमारा 24 आवर रेस्टोरेंट है तो हमारी एवरी डे की सेल भी होती है कि हमारे 2-3 डे एवरी डे हम यूज़ करते हैं। तकरीबन 14-15 साल का हो चुका है रेस्टोरेंट और 24 आवर रेस्टोरेंट चलता है। पाटों में कोई भी रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा नहीं जो 24 आवर चलता है, सिर्फ बॉम्बे किचन ऐसा जो 24 आवर चलता है। সো এটা হচ্ছে বাংলা রোড নাইট লাইফ, বিউটিফুল লাগছে, সাজানো গোছানো এখনো 11টা বেজে গেছে, মানুষে ভিড় শেষ হয়নি, প্রচুর পরিমাণে ভিড় এখানে, মানুষরা এনজয়মেন্ট করছে, নাচ এখানে বার রয়েছে, মানুষ ড্রিং করছে, নাচ বাংলা তো গাতেই আপকো এসে ফিল বলা ফাকিং শো হয়ে যায়গে। তো
रोड में एक मार्केट है जहाँ पे जाइंट लॉबस्टर एंड आपको जो जो खाने का चाहिए हर एक चीज मिलेगा, वो भी ताजा। देखिए जाइंट लॉबस्टर है और एकदम जिंदा है, स्पेशल है। ऐसे रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है, ये बांगला रोड के अंदर ही है। বিচে গিয়ে এনজয়মেন্ট করে নিয়ে বডি মাসাজ করে নিয়ে আমরা সেই রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি যেটা হচ্ছে বোম্বে কিচেন। দেখতে পাচ্ছ তো এই রেস্টুরেন্ট দম বিরিয়ানি, চিকেন দম বিরিয়ানি যেটা খুব টেস্টি, 250 টাকা করে দম বিরিয়ানি, খুব ভালো, মানে এখানকার টেস্টি হবে। কতটা টেস্টি হবে বলেছিলেন দাদা যে অনেকটা টেস্টি হবে, কতটা টেস্টি হবে সেটা আমরা জানাবো। আর বডি মাসাজ ছিল, ফুল বডি মাসাজ আমরা করে নিয়ে বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছি, চিকেন দম বিরিয়ানি বলছি এখানে খুব টেস্টি হবে, 250 টাকা। এটা হচ্ছে চিকেনের কোয়ান্টিটি, একটা প্লেটে দেওয়া শুরু দুভাগ করা হয়েছে, এখানে দুটো আর এই যে চিকেন। তো টেস্টটা করে দেখি, কেমন মানে টেস্টি আছে, খুব ভালো না, মানে একদম যে ভালো হবে সেটাও না, আর খুব খারাপও না, মোটামুটি টেস্টি আছে। চিকেনের পিসগুলো এরকম